के साथ भारत के भविष्य के हित के लिए नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। वहीं प्रदेश की मौजूदा सरकार बाबा आदित्यनाथ योगी ने शासनिक प्रशासनिक अधिकारी पीड़ितों को समस्याओं का निस्तारण करने में नाकाम है मामला जनपद औरैया के कोतवाली अजीत मल क्षेत्र ग्राम नगला नंदन का है, जहाँ के एक देश की सुरक्षा कर रहे सिपाही के परिवार का देशभक्ति के दुहाई देकर वोट बैंक के राजनीति करने वाली मौजूदा सरकार एक देश की सुरक्षा कर्मी जवान के परिजनों को न्याय समस्याओं का निस्तारण करने में नाकाम है। बता दूं कि भारतीय सेना उत्तराखंड में तैनात सतीश कुमार ने मीडिया को बताया है कि मेरे पिता श्री तिलक सिंह ने सन 2017 से लेकर आज तक उनके मकान की मुख्य रास्ता को गांव के दबंगों ने दोनों ओर से ईंट राबिस डालकर घरेलू पानी निकालने से रोक रखा है, जिससे मकान के आगे 3 से 4 फुट गहरा गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे घर से निकलने बैठने में असुविधा के साथ साथ घातक बीमारियां पनप रही हैं, जिससे सन 2017 में आए दिन अनवरत शिकायतें की जा रही हैं। उप समस्या का निस्तारण का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। छमनाथ सिंह है, नगला नंदन के रहने वाले हैं। आम रास्ता हमारी निजू यहाँ दिन में 5 बार निकलती है, लेकिन पानी के मारे दूसरे खेत में बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे लोग रोकते हैं, इसलिए इसका कोई सुधार नहीं हुआ। दादा, यहाँ पर देखा गया है कि दोनों तरफ से एक मोटी खंदी सी बनी हुई है, जिससे पानी का निकास रुका हुआ है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि पूरे गाँव में घूम के देखा गया, जबकि इनके गाँव में ये एक तरह से कहा जाए कि नरक भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है ये? इसका निकास नहीं है पानी का, इस पानी का निकास किया जाए और यहाँ जो है गंदगी बीमारी कम से कम 4 साल से भरा हुआ है, अभी कोई सुनाई नहीं हुई। हम भी चाहते हैं कि ये गंदगी दूर हो, आराम से निकलें, हमारा इधर भी मकान है, इधर भी निकल में बहुत परेशानी है। ठीक है।